हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, एमडी सर ने राजस्थान में मीटिंग किया है और कुछ लीडर मिलके इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था, और एमडी सर ने उस मीटिंग में कुछ खास बातें बताई हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और लास्ट में प्लान के बारे में भी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो आप यूज़र और लीडर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट भी आ चुका है, और आज मैं जो टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहा हूँ वो RAGEO 24 से ही आई हुई टी शर्ट है। और दोस्तों, टी शर्ट इतनी हल्की और आरामदायक है कि इसको पहनने के बाद महसूस नहीं हो रहा है कि हमने कुछ कपड़ा पहना हुआ है, और काफ़ी आरामदेह है। दोस्तों, आप भी RAGEO 24 से टी शर्ट शॉर्ट प्रोडक्ट मंगाइए, और वहाँ और आपके प्रोडक्ट आने में लेट हो रहे हैं भले ही, लेकिन अक्टूबर से आपके प्रोडक्ट नॉर्मल वे में जाने लगेंगे, और अभी कुछ लेट हो रहे हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी प्रॉपर वे में ट्रेन बसेस नहीं चल रही हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को भी मालूम है। और चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए, ये सब बातें दूसरी वीडियो में भी हो जाएंगी, मैं आपको एमडी सर का पूरा वो वीडियो दिखाता हूँ जो हमारे एक लीडर ने भेजा हुआ है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी और प्लान के बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज होने वाली है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ एमडी सर का वो वीडियो। करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने कर लिया। जितने धक्के खाने थे वो योगी जी ने खा लिए, जितने नेगेटिविटी फैली थी वो फैली इन लोगों ने। अब आप लोग जिस पायदान पे खड़े हैं, जहाँ से अब हमारी होती है सक्सेस यात्रा शुरू, और इस सक्सेस यात्रा को आप जब मार्केट में जाकर के किसी को प्लान देंगे, तो आने वाले और 2-4-6 महीने के बाद किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि RAGEO 24 क्या है। पूरी प्लानिंग हम लोग पहले से करके बैठे हुए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत आई बीच में कोरोना, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। कोरोना में किसी का काम रुका क्या? लॉकडाउन में नहीं रुका, टाइम पे पे आउट आया, टाइम पे रिचार्ज हुए, टाइम पे सारे काम चले। हाँ, एक प्रोडक्ट वाला इशू है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल, वो हाथ में, वो मैं यहाँ से फेंकूंगा और वहाँ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर से नहीं आ सकता वायर से, वो फिजिकल कोरियर से, पोस्ट ऑफिस से, किसी बस में, किसी ट्रेन में, किसी फ्लाइट में, किसी गाड़ी में नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें क्या थी? बंद, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था, तो उसका एक इश्यू जरूर आया है, अदरवाइज बाकी की सारी चीज़ें प्रॉपर हमने चलाई है। आप सब लोगों ने भी लॉकडाउन होते हुए भी घर बैठ के चाहे काम किया है, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहे हैं, और आप लोगों ने अच्छी टीम बनाई है, और आप सब लोगों ने मिलजुल के बहुत अच्छी मेहनत की है, और आप सबकी मेहनत की जरूरत है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो एक बार अपने लिए ताली बजाएं। तो रीजन की जो हम बात कर रहा था, तो रीजन आप लोगों का क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। कोई शक हो, कोई शंका हो, किसी भी व्यक्ति को भरी पैसे में खड़ा हो, हाँ जी, है किसी की कोई शंका, कोई डाउट? रीजन क्लियर है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अगर 10,000 का महीना कमा सकते हैं, योगी जी अगर 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से आने वाले समय के अंदर 50,00,000 रुपये महीना भी कमा सकते हैं। तो वो इंसान मरता है, पैदा होने से लेके मरने तक प्रॉब्लम कभी भी चल रही, ये एक कड़वी सच्चाई है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, और जो लोग इसको नहीं समझते हैं, इससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या नेगेटिव हो जाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। देखिए सर, इसको मैं सिंपल से और शब्द में बताता हूँ। ये दुनिया किसने बनाई है? क्या मैंने बनाई? आप लोगों ने बनाई? कुदरत ने बनाई, उस भगवान ने बनाई है, उसको हम जो भी नाम देते हैं, ईश्वर ने बनाई, ठीक है। ये दुनिया चलती कैसे है? इस दुनिया के अंदर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पैदा होते ही करोड़पति और कुछ लोग पैदा होते ही करोड़पति होता है ऐसा? अगर मान लीजिए मैं
अपनी बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हो गया होता, हो सकता था ना, ईश्वर की मर्जी है, मेरे को कहीं जाकर पटक दे, वो तो पैदा होने के बाद पता लगेगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, पहले तो नहीं पता ना, हम तो नहीं बोलेंगे कुरान मेरे को वहां जाकर पैदा करना, नहीं कर सकता ना। तो ईश्वर ने दुनिया बनाई है, और ईश्वर जो है ना, देखिए वो कृष्ण भगवान जी के बारे में गाया था, बहुत मतलब खिलाड़ी आदमी है ना, मतलब चक्कर भी चलाते हैं और ऐसा चक्कर चलाते हैं कि वो चक्कर में आदमी घूम जाता है। दुनिया बनाई तो उसको पता था, उसको पता था कि ये दुनिया ऐसी चलेगी, इस दुनिया को चलाने के लिए पलड़ा बनाना पड़ेगा, तराजू वाला, इसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, इस दुनिया को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुनिया को बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर ये दुनिया बैलेंस नहीं रहेगी, अगर एक ही तरफ पत्ता खाली हो गया तो ये दुनिया नहीं चलेगी। कैसे, आप में से फोर व्हीलर कितने लोगों के पास है, फोर व्हीलर सबके पास नहीं है, बुरा मत मानिएगा कि जिसके पास नहीं है वो ऐसा नहीं कि उनके पास फोन ही सकती, हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो जाए या आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो क्या खुद ही ठीक कर लेते हैं, फिर करते हैं क्या करेंगे, किसी मैकेनिक के पास जाएंगे। अगर आपके पास एक कोठी है, बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, क्या उस पूरे बंगले को आप खुद ही झाड़ू पोछा करके सफाई करेंगे, ये होटल है, इस होटल का मालिक क्या खुद झाड़ू पोछा करा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दुनिया को सब बैलेंस करना है, इसमें अमीर भी होंगे गरीब भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे और बुद्धिहीन भी होंगे, इसमें गोरे भी होंगे काले भी होंगे मेरे जैसे, इसमें लंबे भी होंगे पीछे भी होंगे, आदमी भी होंगे औरत भी होगी, यानी कि हर चीज को बैलेंस करने के लिए इस परमेश्वर ने दुनिया को इस तरीके से बनाया। अब लेकिन क्या है, अब तो गरीब पैदा हो गया बेचारा, अब वो बोलता है कि यार मेरा कसूर क्या है ये बता, मेरे को अभी देख कभी पता लगा था, मैं नहीं होता पता, इस कसूर क्या है, क्या है कसूर कोई नहीं है, अब वो जो भी है अलग अलग धारणाएं हैं कि पुराने जन्मों का मेरा है या वो है, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज वरदान दिया हुआ है सभी को, जब इंसान को पैदा करते हैं तो उसको एक वरदान मिला हुआ है कि बेटा देखो मैं एक वरदान दे रहा हूँ, देखो देख पैदा तो किया गरीब घर में, लेकिन तेरे को एक दिमाग दे दिया है जो सबके पास है, देखो तो सोच दे दी है, सब कुछ है, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू इस लाइफ में कैसे क्या करेगा, प्रॉब्लम अमीर आदमी को भी आएगी, प्रॉब्लम गरीब आदमी को भी आएगी, अमीर आदमी प्रॉब्लम से कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ तरीके की शिक्षा मिली हुई होती है, और गरीब आदमी को जिसको समझ नहीं है, जब उसको प्रॉब्लम आती है तो वो उससे घबरा जाता है, नेगेटिविटी मन में आ जाती है, और जैसे जैसे नेगेटिविटी आती है वैसे वैसे वो उस ऊंचाई की तरफ जाने से अपने आप को रोक देता है और वो टिका रहता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो ये जो गर्दन है हमारी, इस गर्दन से नीचे का जितना भी शरीर है, ये शरीर और इस गर्दन से ऊपर वाला शरीर, इस वरदान को आप उल्टा ऐसे समझ लो कि जो भी इस गर्दन से ऊपर के शरीर से काम करेगा वो इस दुनिया में पैसा कमाएगा, और जो इसके नीचे से काम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, वो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो मुश्किलें तो देना मुश्किल, चाहे वो सर्वर की दिक्कत हो, चाहे वो टास्क करने में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आएगी हमेशा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आएगी। आज मान लीजिए अगर किसी को 1 लाख रुपये महीना आ रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम में से निकल निकल के ही 1 लाख तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम जब आए तो उस प्रॉब्लम में हमें करना है। तो प्रॉब्लम के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं है, प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम हमेशा आपको चेक करने के लिए कि आप उस काबिल हैं भी हैं या नहीं। एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया है कि अगर इस दुनिया का सारा पैसा ले करके सभी लोगों में इक्वल बांट दिया जाए बराबर, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई है आने वाले अगले 3 साल बाकी से सिर्फ कितने वही हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसा तो आ गया,
आई तो इसलिए वो पैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है और थोड़ी थोड़ी में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो इसलिए भी सॉलिड काम कर रहे हो। इसका मतलब है सॉलिड काम कर रहे हो, जिस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर समझो कि वो गलत रास्ता है। और ऊपर उठेगा, इन दिक्कतों को झेलेगा, करोड़पति करोड़पति बनेगा। आपकी लोग नहीं है, हम लोग की नहीं है, एक साल कंप्लीट हो चुका है, आने वाले पांच साल और देखते हैं। पांच साल के बाद आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, अरे सर हमारी तो मत हमारी गई थी, पांच साल पहले आए थे योगी जी कहने देखे, हमने तो उनको बोल दिया था भाई देखो मत बनाओ, हम तो जुड़े ही नहीं। अब आज दिक्कत ये हो रही है, अब किस मुझे वापस आए, आएंगे तो बेस्ती हो जाएगी, फिर वो चक्कर में नहीं आएंगे, सब सारी दुनिया नहीं आएगी, सारी दुनिया सब रिलायंस कंपनी में लेके आ सकते हैं। हम तो क्या 100% रेशो कभी भी नहीं आता, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जिनको मान लेना चाहिए, और उनको मान लेंगे ना तो क्या होगा, आसानी होगी काम को करने में। अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं जयपुर, अगर आपको पहले से पता है कि रास्ते में 4 किलोमीटर का सफर एक ऐसा है जो सड़क टूटी हुई है, आपका माइंड मेकअप पहले से बना हुआ है कि 4 किलोमीटर की सड़क है जो टूटी हुई है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेके निकले, क्यों? क्योंकि आपको तो जयपुर पहुँचना ही है, हर हाल में पहुँचना है, तो पहुँच जाएंगे ना। और अगर पहले हम ये सोच बैठे नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा होता है लेकिन मेरी नजर हर तरफ बैठी है, कौन व्यक्ति क्या करता है, किसी टीम में कैसा काम करता है, मोदी जी अपना एक बैंक जो मेयर जी का कैसा चल रहा है, सुरेंद्र जी का कैसा चल रहा है, आप लोगों का कैसे चल रहा है, मुझे समझ में आ जाती है। तो हम लोग सर एक गलती कर रहे हैं, तो क्या उस गलती पे फोकस करना चाहिए? yes, करें उस गलती को, विजन क्लियर है, वो नींद आ रही है, तारी हो जाएगा। हम लोग जान बूझ के अपने बिजनेस को और ज्यादा टफ कर सकते ध्यान दे सकते सर अपने बिजनेस को, हम लोग जान बूझ के टफ करते जा रहे हैं, जबकि ये बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज की तारीख में यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय फिलहाल अपने जो भी काम, चाहे वो खेती करते हैं, चाहे वो अपना कोई कारोबार है, कुछ भी करते हैं, 5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं ऑलरेडी, इनकम टैक्स रिटर्न के प्रूफ के साथ है, कोई 5 लाख रुपये महीना, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी कि अगर हम 60-70 लोग महीने का कमाना क्या बहुत आसान है? अच्छा साल का बताया आपने, ओके मैं महीने की बात कर रहा हूँ, 5-7 लाख रुपये लगा करके भी सर कोई उम्मीद नहीं है कि 1 लाख रुपये महीना आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग शोरूम खोल देते हैं, कपड़े का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, सब 10-15-20 लाख का तो माल डालना पड़ता है, फिर उसके सुबह से लेकर रात तक शटर खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो साथ में लड़के भी रखने पड़ेंगे दिखाने के लिए, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तब जा करके भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि 1 लाख रुपये महीना वो कमा लेगा, आसान नहीं है ना सर। और हम लोग यहाँ पे जैसे ही काम शुरू करते हैं तो पूछते भाई कितने आ रहे हैं, एक ही दिन में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर हम लोग खुद सही तरीके से अगर काम करें तो बहुत आसान है। और वो क्या करना है सर, सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, ठीक है जी, ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि आपको सिर्फ 10 लोगों को टीम बनानी है, 10 लोगों की, और 10 लोगों से कितना लेना है जी, 124 रुपये लेने हैं पर व्यक्ति से, कितने हो गए? क्या इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे खड़ा हो गए कि जी मेरी इतनी औकात नहीं, या मेरा इतना मार्केट में दबदबा नहीं, या मेरा इतनी कोई जान पहचान नहीं कि मैं 10 लोगों से 124 रुपये ले सकूं? हाँ जी,
हर व्यक्ति के अगर मोबाइल को देखा जाए तो उसके मोबाइल के अंदर कम से कम भी 100-200 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े हैं, किसी को दूसरे का अलग से ग्रुप बना हुआ है, धार्मिक का ग्रुप अलग से होगा जिसमें भजन ही आएंगे सर और कुछ नहीं आएगा, बने हुए ना ऐसे ग्रुप। लेडीज़ें घर में बैठी हैं, हमारी अर्थांगनी है, वो घर में भी अपना घर का काम काज करने के बाद व्हाट्सएप देखेंगी, फेसबुक देखेंगी, है ना, वीडियो चलाएंगी, वीडियो देखेंगी, वीडियो शेयर करेंगी, बड़ी अच्छी वीडियो है जी। तो 100-200 लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, तो क्या उसमें से सिर्फ 10 लोगों से 124 रुपया लेना इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें उनको हम एक अर्निंग दे रहे हैं विद गारंटी, 124 रुपये की गारंटी ले रही है कंपनी, तो क्या लिया जा सकता है? और मुझे काम है क्या 10 लोगों से? कोई मुश्किल नहीं। कितने दिन में अगर कोई व्यक्ति आज शुरू करता है, मान लीजिए आज मैंने शुरू किया, आज मैंने जो भी लिया है और मैंने इनको 124 रुपये दिए और मैंने काम शुरू किया, तो कितने दिन में कोई भी व्यक्ति 10 लोगों को ज्वाइन करा सकता है? 124 रुपये मैंने 10 लोगों के आम से आम व्यक्ति पूरे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से भाई किसको जाके छोड़ेंगे आप? ऐसे कोई सड़क पे चल रहा है उसको तो नहीं पकड़ लेंगे ना गले से, इतना भाई गले से बदल दे, किसको किसको ज्वाइन कराएंगे? अपने किसी जानकार को, कोई हमारा दोस्त के होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी कोई तो होगा ना, तो ऐसे लोगों में से 10 लोगों को हमने ज्वाइन कराया और हम मानते हैं कि 1 महीने का समय लगता है और ये सबको लगता है। अब काम क्या है? काम ये है जोड़ना और जोड़ना। आप जुड़े जनवरी महीने में, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया जनवरी महीने में, महीना ले लिया, इनको हम लोग जो गलती कर रहे हैं वो तो गलती ये कर रहे हैं कि अपने 10 लोगों को तो जोड़ देते हैं लेकिन इन 10 लोगों को ये चीज डुप्लीकेट नहीं करा रहे हैं, इनको सिखा नहीं रहे हैं कि भाई तुमने क्या करना है, 10 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? 10 लोगों को। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई कितने दिन में जोड़ोगे, आपने बोला कि 1 दिन में जोड़ दूंगा, कोई बोलता है 10 दिन में जोड़ दूंगा, मैं बोलता यार महीना ले लो, 1 महीने में तो जोड़ेंगे ना, तो 1 महीने में जब हम इनको डुप्लीकेट कर देंगे इन 10 लोगों को, इनको सिखा देंगे कि 10 लोगों को कैसे जोड़ना है, तो क्या होगा? फरवरी महीने में आपका सेकंड लेवल, अगर इन्होंने भी आगे अपने अपने 10-10 लोगों को यही चीज डुप्लीकेट करके सिखा दी तो क्या होगा? मार्च महीने में थर्ड लेवल, अप्रैल में सेम ही चलेगा ना, सर 7 महीने लगेंगे कुल, 7 महीने में क्या हो जाएगा आपका 7वां लेवल, और इनकम कितनी हो जाएगी? फ्री वाला तो छोड़ दो सर, कैश वाली बात करो, 7,40,000, 7 लाख ले लो राउंड फिगर, 7 लाख रुपए कितने की? पर डे की, महीने की नहीं, लगभग 15% की रिडक्शन होती है कटपिट के, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए भी पर डे का आ रहा है, पर डे तो महीने का कितना हो गया सर? महीने नहीं पर डे 1.5 करोड़ रुपए का बनता है। विजन की तरह हमारे हम विजन देखें 6 रुपए आए ही नहीं आए आज 6 रुपए नहीं आए सर, वो ना घूम बोल रहा है सरदर साहब, लोड नहीं हो रहा, अरे भाई 5 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हो और एक छोटे से सर्कल में घूम रहे हो, वो घूम नहीं रहा है, वो आप घूम रहे हो, नेगेटिविटी घूम रही है। तो साहब आप लोग समझदार लोग हैं, सभी मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, मुझसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है मार्केट में, ठीक है, आप लोग अपने ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, हम लोग अभी एक छोटा सा बच्चा है हमारे बीच में, ठीक है,
उसने इतना अच्छा काम किया है, अच्छे से उसने कितनी अच्छी स्पीच दी है, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है। हम लोग अपने अपने बच्चों को, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से उसके ऊपर क्या करते हैं, खर्चा, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बड़ा होकर वो आपके पैर दबाएगा कि आपका गला दबाएगा मालूम नहीं होता है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है, बच्चे से लेके उसको पढ़ाएंगे। आजकल तो प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे गला खोल के मुंह बोलते हैं 5,000 रुपये फीस, 10,000 रुपये फीस, वर्दी भी यहीं से लेनी पड़ेगी, किताबें भी यहीं से लेनी पड़ेगी, बाहर से नहीं लेना कुछ भी, गाड़ी भी उन्हीं की लेती रहेगी, छोड़ भी रहेगी। लाखों करोड़ों रुपए बच्चे के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। एमबीए करने के बाद करता क्या है, 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी, आसान नहीं होता है, एक गोले से भी उम्र जाते हैं हमको, ये 5 मिनट ज्यादा क्यों घूम रहा है। 25 साल जिंदगी के हमने वो पढ़ पढ़ के क्या बोलते हैं उसको, सीधा मीठा कमी करने पड़े, पाई की कीमत भी नहीं होती है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी क्या थी? बताओ जीवन में क्या कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके एजुकेशन के सिस्टम भी चेंज हो रहे हैं, वक्त बदल रहा है, अब वक्त बदलने वाला है। वक्त के साथ चलोगे तो सर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे ना सर तो पीछे रह जाएंगे। सबकी जेब में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, लेकिन जब शुरू शुरू में आए थे क्या इतनी आसानी से ले लिए थे लोगों ने, लोग ये बोलते थे कि कीपैड वाला मोबाइल 2,000 रुपये का आता है, ये एंड्रॉइड हम 10,000 रुपये का लेंगे, क्यों क्यों ले 10,000 रुपये का, काम क्या है, फोन ही तो सुनना है। लेकिन आज इसके बिना